हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। आज हम लोग प्रैक्टिकल का एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्लास 8, 9, 10 तक के जितने सारे प्रैक्टिकल्स हैं उनको हम दिखाने का कोशिश करेंगे। और आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं स्टडी ऑफ फ्लेम। ये किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको जानना इसलिए जरूरी है कि कई बार जब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होता है, या फिर हम लोग कभी जब 8 क्लास का जब देखेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि एक फ्लेम के कितने सारे जोन्स होते हैं। तो पहले हम आपको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो पहले मैं बता दूं, जब एक फ्लेम होता है, कॉमन सा फ्लेम जब हम लोग देख रहे होते हैं, सपोज करते हैं, तो कैंडल का फोटो मैंने बना रखा है। जब सबसे अपर जोन होता है ये ब्लू कलर का होता है, इसमें ज़्यादा लाइट होता नहीं है, इसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये हमारा इस जगह पे जो कैंडल जो जल रहा होता है उसके वेपर का यहाँ पे कंप्लीट कम्बसन होता है, एटमॉस्फेयर से इसको सफिशियंट ऑक्सीडाइजेशन, दैट मींस एयर उसको मिल पाता है। ये जो होता है वो मिडिल जोन होता है, ये ल्यूमिनस होता है, इसमें लाइट ज़्यादा होता है, ये रेड येलो फ्लेम का होता है, इसमें कंप्लीट कम्बसन नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम लोग इनकम्प्लीट कम्बसन जोन के नाम से जानते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बीच वाले पार्ट में हॉटनेस इसमें कम होता है। जहाँ पे कैंडल का बत्ती जल रहा होता है उस जगह को हम लोग डार्क जोन कहते हैं। मोस्टली यहीं पर हमारा कैंडल का वेपर तैयार हो रहा होता है और ये पेपर का कंप्लीट कम्बसन उसके अपर जोन में होता है। अब ये जो चीज़ है ये हमारा फ्लेम का डिफरेंट जोन है। अगर हम लोग फ्लेम की क्वालिटी के हिसाब से बांटें तो फ्लेम दो तरह के हो जाते हैं। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है नॉन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। आइए अब हम लोग प्रैक्टिकल में ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम दोनों देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे फ्लेम के डिफरेंट जोन्स क्या होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं, जरा प्रैक्टिकल हम लोग पढ़ने जा रहे थे फ्लेम का। फ्लेम के बारे में पूरा पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं, ये आपके सामने बंसन बर्नर है। बंसन बर्नर में ये पाइप है जहाँ से हम लोग फ्लेम लगाएंगे। यहाँ पे आप इस नॉब को देख पा रहे होंगे, ये नॉब अप डाउन करने के बाद ये आगे पीछे करने से ये खुलता है या फिर ये बंद होता है, इस कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। एक नीचे में एक और नॉब यहाँ देख पा रहे होंगे जिसको हमने ऊपर कर रखा है या नीचे कर रखा है, ये क्या करता है फ्लेम को ऑक्सीडाइजिंग या नॉन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनाता है। समझते हैं जरा, आपको तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ एक छोटा सा छेद होगा, इस छेद में एक छोटा सा निपल होगा, आप इसको नोजल कह सकते हैं। ऐसा ही एक स्पेयर पार्ट यहाँ बना होता है, जैसे कि आपके गैस चूल्हा में होगा, जब नॉब होता है अंदर में हाथ लगा के देखेंगे कि जहाँ से उसका निपल होता है बगल में दोनों साइड से उसके पाइप में छेद होते हैं बर्नर वाले ट्यूब में। वो क्या करता है कि बाहर से ऑक्सीजन को इस एलपीजी जो इस पाइप के सहारे आ रहा है वो एलपीजी में मिक्स करता है। इस तरीके से वो मेरा मिक्सर जो होता है एलपीजी और ऑक्सीजन का मिक्सर हो जाता है। यहाँ पे जलाते हैं तो ये जो फ्लेम बनेगा वो मेरा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा, इसका कलर ब्लू कलर का होगा। लेकिन जब हम लोग ये जो छेद आप देख पा रहे होंगे, इस छेद को अगर हम लोग बंद कर दें तो बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, जो भी यहाँ पे कंबसन होगा अगल बगल के फ्लेम में ही हो पाएगा, तो यहाँ जो बनेगा वो हमारा नॉन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग इसको थोड़ा जला के देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये फ्लेम है, ये ग्रीनिश कलर का है, अपर सरफेस पर ब्लू होगा। क्योंकि ये एक वीडियो है, आप अगर क्लासरूम में देखते तो पूरा अच्छे तरीके से देख पाते, हम आपको दिखा पाते कि कैसे ब्लू फ्लेम और ग्रीन फ्लेम है। यह नीचे से मेरा ऑक्सीजन यहाँ से मिक्स हो रहा है हमारे एलपीजी के साथ, और ये हमारा जो फ्लेम है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। इसी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को अगर हम लोग नीचे वाला नॉब से सफिशियंट ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे, ठीक, तो ये क्या होगा कि अब धीरे धीरे इसको कम ऑक्सीजन मिलेगा और आप देख पा रहे होंगे कि कलर धीरे धीरे इसका बदलना लगा है। तब इसमें रेडिस आ गया है, एक तरह का सूटी फ्लेम तैयार होगा। फ्लेम्स का जो लेंथ है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा, आप अगर नज़दीक रहते तो थोड़ा सुन पाते कि ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में एक साउंड भी होता है बड़ा मज़ेदार। ये जो फ्लेम आप देख पा रहे हैं इनकम्प्लीट कम्बसन का है, फिर भी इसके किनारे पर ये ब्लू कलर की फ्लेम नज़र आ रही है। एलोइस जो जोन होता है इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस जोन, ये हमारा है नॉन ल्यूमिनस है। ब्लू कलर के फ्लेम जो होता है अपर सरफेस पर है,
इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये हमारा जो फ्लेम आपके सामने दिख रहा है ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल के दरमियान हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का बार बार इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा नॉन ल्यूमिनस जो एलोइस कलर का होता है, ये ल्यूमिनस जोन है, ब्लू कलर वाला नॉन ल्यूमिनस जोन है। अंदर वाले जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे हम लोग डार्क जोन बोलते हैं, यहाँ पे कोई लाइट नहीं होती है। ये हमारे हाथ में एक ब्लो पाइप है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको कैंडल जला करके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की जरूरत होती है, तो ये एक ब्लो पाइप है। आप देखेंगे कि इसको अंदर में हम लोग डाल करके पाइप का कैसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हम लोग बना पाते हैं। आपको दिख पा रहा है, अब हम लोग देख पाए कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग नॉन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होता है। एक बार फिर से आप देखिए, अगर हम लोग इसके होल को अगर हम लोग धीरे धीरे खोल देते हैं तो आप देख पा रहे हैं रंग बदलना शुरू हो गया, और इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो गया। जिस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा होता है उसी प्रिंसिपल पे हमारा गैस का चूल्हा भी काम कर रहा होता है। अब ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगले प्रैक्टिकल के वीडियो में